हेलो डियर स्टूडेंट्स, ओडिया स्टडी पोर्टाल तुम सभी को स्वागत। तो पिलामाने आज क्लास रे आमे नवम श्रेणी जीव विज्ञान प्रथम अध्याय जैव विविधता पढ़ा। इंग्राजी यार नामटी कौन बायो डाइवर्सिटी। ठीक है, जैव अर्थ हो पाने जीव। जदि आम जीव मान रिलेटेड किसी पढ़ा तो जैव बोली कह। विविधता, विविधतार अर्थ इंग्राजी शब्द टी देख डाइवर्सिटी, यार अर्थटी हूँ कौन भिन्नता, विभिन्नता भी कहीपर। ठीक अच्छे, डिफरेन्स केते जीव केते सब अलग अलग प्रकार जीव गुड़ाक आम पृथ्वी में बास कर। ठीक अच्छे, अलग अलग प्राणी मैंने बास कर विषय में आम पढ़ा से किसी डिफरेन्स किसी भिन्नता रही कि नहीं पाने। जमीक ये तुम देख ये तुमको पचार बहुत गुड़ाए प्रश्न अच्छे आगे आम पढ़ा। पिलाई तुम्हें केवे लक्ष्य कर आम परेश जीव मान मध्य सामंजस्य अथवा विविधता रही। देख सामंजस्यर अर्थ हूँ इक्वालिटी अर्थात सामानता। ठीक अच्छे, कौन के सामान देखा जाए जमी दुईट मनीष परस्पर सामान देखा जाती। ठीक अच्छे, विविधता सेना भितर डाइवर्स से विविधता बा अलग कौन ना देख कार कलर अलग आउ कार कलर अलग कार हाइट अधिक हो कार हाइट कम हो तो एमती डिफरेन्स भी रही आउ बहुत गुड़ाए सामंजस्य रही। एठार प्रत्येक जीव से ही प्राणी हो बा उद्भिद गोटे अगर अलग। उदाहरण स्वरूप तुम सांगर कथा विचार को नियो, तुम दुईंर उच्चता सामान कि ना जहाँ टी डिफरेन्स रही थी। तुम दुईंर नाकर गठन टी अलग रही थी पारे, सेम भी हो पारे किंतु प्रायत कौन देख अलग। तुम हाथ पापुलर आकार तुम सांगर हाथ पापुलर आकार सामान कि ना किसी ना कि गोटे डिफरेन्स गुड़ाक युड़ाक रोचे या कहुए कौन विविधता अर्थात डाइवर्सिटी अलग अलग। तो विविधता शब्द टी पढ़ा वर्तमान आम आमको आमको और आमर सांग को जदि गोटे मंकड़ सहित तुलना करवा मनीष और मंकड़ मध्य गठन किसी सामंजस्य किसी पार्थक्य रही जापर तेब आम आम सांग भितर रही सामंजस्य अर्थात मनुष्य मनुष्य मध्य सामानता मनुष्य मंकड़ मध्य सामंजस्यता तुलन अधिक। देख ये तुम्हें ये रहा गोटे मंकड़। ठीक अच्छे, ये रहा तुम्हें ये रहा तुम सांग अधिक जिनस सेम सामंजस्य क्या सहित रोम सांग सहित रु माकड़ सहित तुम सामंजस्य टी जहाँ भी कम रोटे एक्जाम्पल ना तुम ये ठिया हो। ठीक अच्छे, ये तुम ढाई ये गोटे मईसी टी रखीद मईसी किंबा गोटे गाई ए मत कह सामंजस्य कार अधिक मनीषर माकड़ सहित सामंजस्य टी अधिक रु गाई एवं मईसी एवं जो गो मईसी आदि अच्छे सहित तुम लिंक टी कमी सामानता टी कमी। ठीक अच्छे, पार्थक्य टी अधिक देखा। ठीक अच्छे, तो सेपर जदि गोटे गाई को यही तुलन प्रक्रिय जोड़ देवा तेज आउ किसी देख जो मनीष और मंकड़ भितर थी सामंजस्य गाई तुलन में अधिक बेस अधिक एगुड़ाक आम कहे। ठीक सेमती तुमको गोटे प्रश्न पचार देशी गाई और जर्सी गाई मध्य तुम कौन डिफरेन्स जाच कि शुणु निजर पाख पड़शार जो मैंने गोपाक मैंने रही जो गाई रखिंट देखिए से मैंने जर्सी गाई पोषि ना देशी गाई। तो ए गोटे पे गोटे प्रश्न आसो सर देशी गाई और जर्सी गाई मध्य डिफरेन्स केमी जानव। ठीक अच्छे, जमीती गोटे नॉर्मल नड़िया गच एवं हाइब्रिड नड़िया गच मध्य तुम डिफरेन्स रही थाए नॉर्मल नड़िया गच कौन बेसी हाइट होती है कि बहुत वर्ष पर फल फल स्टार्ट हे कि हाइब्रिड्रे कौन उच्चता कम किंतु फल अधिक थी डिफरेन्स रही कि ना। ठीक सेमती देशी गाई कौन तार आकार टी सान जर्सी गाई आकार टी बड़ टे बड़ तार देहटी। ठीक अच्छे, तुम देशी गाई कम क्षीर देवा बेले जर्सी गाई अधिक क्षीर दिए। देशी गाई आमर परेशर हो से जहाँ सुखे दुखे कष्टे लाभ क्षति सब सही से रही जिते जहाँ तुम मशा लगू कौन लगुच लगू से एडजस्ट कर रही कि जर्सी गाई गुड़ाक सेमती नुह एम कौन एम को थंडा नड़ा टी मैंने थंडा परेश दरकार। ठीक अच्छे, बेसी शीत भी होगा पड़बनी बेसी गरम भी होगा पड़बनी टाइल पड़ार अच्छी। ठीक अच्छे, सीमेंटर चट्टाण होबार अच्छी फैन लगार अच्छी लाइट लगार अच्छी मशा न लगे पड़ो। ठीक अच्छे, तो एमती तो एमती पे रही। तो नेक्स्ट आउ कौन जाना तो एवं तुम्हें मैंने कमेंट सेक्शन में जनइब जो तुम साई पड़शा तुम गाँव में देशी गाई किए रखी आ जर्सी गाई किए रखी। ठीक अच्छे, जर्सी गाई केतरा तुम देखी आ देशी गाई केतरा देखी
केतेक विशेष लक्षण द्वारा ही आम देशी एवं जर्सी गाई को एक गोष्ठीभूत करूँ अथवा से अलग अलग बोली विचार कर तो गोटे मनीष आ गोटे गाई भितर देशी गाई कि जर्सी गाई मध्य आम जी सामंजस्य खोजा हाँ किसी जिनसर सामंजस्य तो मिल जाव किसी जिनस मैच है भाया लगे कि बहुत गुड़ाए गुण कौन हो अलग अलग हो तो ये से कहला कौन पृथ्वी पृष्ठर या असंख्य जीव मान अनुध्यान कले जन जाए जे एक बैक्टेरिया आकार अति छोट एवं यह खाली आखिर देखा जाए ना तेणु यार दर्घ्य प्रस्त को माइक्रोमीटर रे प्रकाश कर जाए देख डेसी सेंटी मिली माइक्रो नानो पिको फेमटो हेल्ला एमती बहुत गुड़ाए माप प्रणाली अच्छी जमीती कि एक मीटर रु एक सेंटीमीटर सान एक मीटर रु एक सेंटीमीटर सान ठीक सेमती एक सेंटीमीटर रु एक लिखिद एक मीटर रु एक सेंटीमीटर सान एक सेंटीमीटर रु एक मिलीमीटर सान ठीक सेमती एमानकू बहुत सान हो कौन एक माइक्रोमीटर केते पिला माने दस रघात माइनस छः देला ठीक है गणित पढ़दबा दस रघात माइनस छः अर्थ केते आम लिखिपर एक बै दस रघात छ मीटर एक माइक्रोमीटर इक्वल टू केते टेन टू दि पावर माइनस सिक्स मीटर टेन टू दि पावर माइनस सिक्स को आम के लिखिपर एक बै दस रघात छ मीटर आर अर्थ अतर के एक बै दस रघात छ माने कौन एक छटा शून लिखा एक छटा शून एक छटा शून को आम पढ़ा कौन एक दस शह हजार अयुत लक्ष न्यूत एक न्यूत अर्थात एक मीटर को एक न्यूत भाग करवा एक न्यूत भाग कर सर से जो छोट गोटे एककड़ी आमको मिल सी हूँ एक माइक्रोमीटर बुझिपार जमीती एक किलोमीटर इक्वल टू हजार मीटर ठीक अच्छे एक सेंटीमीटर इक्वल टू टेन एम एम ठीक अच्छे एगुड़ाक जी आम कन्वर्ट करवा एक सेमी को जी देख चिंता कर एक सेमी को आम कौन करवा मीटर कन्वर्ट करवा ठीक अच्छे देख कौन लिखा ठीक है समय हजार मीटर इक्वल टू सॉरी हजार मीटर नवानी ठीक है समय सहजर के बुझ चिंता कर सहे सेमी इक्वल टू वन मीटर एक सेमी इक्वल टू कौन हो पाला मैंने एक बै शहे मीटर एक बै शहे मीटर को आम के लिखिपर एक बै दस रघात दुई मीटर दुटा शून अच्छे तो दस रघात दुई या को आम लिखिपर दस रघात माइनस दुई मीटर तो एक सेमी मान के दस रघात दुई मीटर ठीक अच्छे दस रघात दुई माइनस दुईर अर्थ होते एक सेमी तुम स्केल देखि के सान ठीक सेमती पाने दस रघात माइनस छ दस रघात माइनस छ गणित तुमको बुझेली एक माइक्रोमीटर केते सान तुम जापार एक न्यूत भाग करवा जो गोटे छोट भागड़ी आमको पड़ो सी हूँ गोटे माइक्रोमीटर ठीक अच्छे तो चिंता कर केते सान से बैक्टेरिया गुड़ाक एत सान तिमी रेडवुड गछ एगुड़ाक देख बृहत्काय जीव गुड़ाक ठीक अच्छे एगुड़ाक तीस मीटर शहे मीटर बोली धर जाए तिमि तीस मीटर आउ रेडवुड गछ शहे मीटर एमती नेक्स्ट कौन अच्छी जीव मानक जीवन काल मध्य विशेष असमानता रही है जमी सगवान बा टिक गछ से शहे रु शहे पचास वर्ष बचा बेले कोलकाता बोटानिकल गार्डन में गोटे बटर वृक्ष दुई सौ वर्ष अधिक बंची ठीक अच्छे जदि कलिकता के जाओ तेब बोटानिकल गार्डन जीव से तुम देख दुई सौ वर्ष रु अधिक समय बची रही उद्भिद से हीपरी प्राणी मानक क्षेत्र में मशा भाई कतक पतंगर आयुष मात्र अल्प किसी दिन मशा मैंने केत दिन बचती अल्प किसी दिन से भितर से जन्म एकुशी एकुशिया ठीक अच्छे व्रत बनयन बाहाघर से वार्धक्य सब गुड़ाक किसी दिन मध्य ही जाए ठीक सेमती कईज बचुच्छे दुई सौ वर्ष ठीक अच्छे जीव मान जीवन काल में लाइफ स्पैन रारतम्य थी से शरीर रंगर भिन्नता अन्य से शरीर अलग अलग प्रकार कलर मध्य अलग अलग प्रकार ठीक अच्छे नेक्स्ट आप देखा जपरी सुआर रंग सबुज होगा बेले मयूर पुंछ रंग बेस आकर्षण होता है बाघर शरीर में पटापटा दाग रही है ठीक अच्छे अन्य पटातर न थाए अन्य क्यों फूल गचर फुलर रंग लाल तो कह हलदिया अथवा धला कि नेली सगुआ कला कला रंगर फूल देखी पे कौटी यूज हो कह कला रंगर फूल देखी कि जदि देखी न शुनी थ
जदि शुणी कौटी शुणी काठ शुणी आउ क्यों क्षेत्र में व्यवहार कराए मत कह कमेंट सेक्शन में ठीक अच्छे। तो प्राकृतिक परिवेशरे एही विभिन्नता सुस्पष्ट अतएव जेकोसी प्राकृतिक परिवेशरे प्रकृतिर अनन्य विभिन्नता को नहीं विभिन्न प्रकार जीव मानकर एकत्र सहावस्थान को जीव विविधता बा जैव विविधता कहुए। तो भल भाव आगे थोड़े पढ़देबा प्राकृतिक परिवेशरे अर्थात ये हूँ आमर प्राकृतिक परिवेश ठीक अच्छे। घरटा तुम प्राकृतिक परिवेश ना पाने ठीक अच्छे कहीं घर बनीच तुम्हें साइपड़ बनीच से मनीष तो सी है मनुष्यकृत परिवेश। प्राकृतिक परिवेश मैंने कौन जंगल पल पहाड़ पल ठीक अच्छे सेगुड़ाक। तो अतएव जेकोसी प्राकृतिक परिवेश प्रकृतिर अनन्य विभिन्नता को नहीं भिन्न भिन्न प्रकार जीवन मानकर एकत्र सहावस्थान को देख जंगल बाघ रही सी आमिषाशी ठीक अच्छे सी गोटे कौन केवल आमिष प्रिय केवल आमिष ही खाइब कार्निभोरस ठीक अच्छे। आमर मांसाशी ठीक सेमती हरिण मध्य से जंगल रही था। तो हरिण हूँ गोटे हर्बिवर अर्थात कौन तृणभोजी से ही जंगल रे गोटे ही जंगल से ही माटी से ही पानी से ही पवन से ही गछलता ठीक अच्छे किंतु से बाघ रही से मांसाशी आउ हरिण रही तृणभोजी। तो एमती किसी जो विविधता रही क्या जैव विविधता बा जीवजगतर विविधता ठीक अच्छे। जैवर अर्थ कौन पे मैंने जीवजगत विविधता अर्थात डिफरेन्स। पृथ्वीर प्रत्येक प्राकृतिक परिवेश जथा जंगल पहाड़ पर्वत नदी ह्रद समुद्र मरुभूमि और बरफावृत अंचल इत्यादि बसवास कर जीवजगतर विविधता पूर्ण मात्र परिलक्षित होता है। यदि यह स्थान गुड़क जीव तुम निश्चय फिल कर या पर के प्रकृति डाइवर्स केत आम अलग अलग प्रकार भिन्न भिन्न जातिर गापर आम पशुपक्षी जीवजगत एगुड़ाक अच्छा। परिवेशर पार्थक्य हेतु गोटाए प्राकृतिक परिवेश देखा जाता जीवगोष्ठी विभिन्नता अन्य प्राकृतिक परिवेश देखा जाता जीवगोष्ठी ठारु भिन्न रही है। चिंता करूँ पी मैंने जदि तुम बरफावृत स्थान को जीव बरफावृत स्थान को आ गए जीव मरुभूमि ठीक अच्छे ये मध्य गोटे प्राकृतिक परिवेश ये मध्य गोटे प्राकृतिक परिवेश एठी तुमको सिल ठीक अच्छे किंबा चमरी गाई एगुड़ाक मिल मरुभूमि जदि तुम जीव से तुमको कौन मिल कि साप जो मैंने बाली रुहति किसी तुम ओटो देख ठीक सेमती किसी प्राणी देख जो मैंने मरुभूमि प्राकृतिक परिवेश अनुसार निजक गढ़ी बरफ बरफावृत स्थान में जो प्राणी मैंने निजक खाप खुआई बंची से देख से अलग जगार। तो तुम्हें आसिक कह मरुभूमि तो गोटे प्राकृतिक परिवेश बरफावृत अंचल तो गोटे प्राकृतिक परिवेश एटर सिल्डा को आणिकी ये देखा चाहूँगी। तो सेमती कभी हम कि पिलाने ना डिफरेन्ट जब प्राकृतिक परिवेश को जीव तुमको अलग अलग प्रकार जीव से तुमको देखा मिल जाव। जदि पृथ्वीर समस्त प्राकृतिक परिवेश को एकाठी नहीं विचार कले जीवजगतर विविधता जे के व्यापक ताजर अनुमय के प्रकार जीवजंतु अच्छा तुम खाली चिंता खाली कर। पृथ्वी पृष्ठ में आज जो जैव विविधता जीवजगतर विविधता देखा जाता प्रकृत में कोटि कोटि वर्षर जैव बिवर्तन परिणति। तो आज जो आम एत अलग अलग प्रकार सब जीवजंतु देखुं डिफरेन्ट टाइप रही तो एगुड़ाक केमी या कौन सांगे सांगे कौन एम गोटे चुटकी कौन एत अलग अलग प्रकार जीव सृष्टि हो पाने ना सबूक कह कम जैव बिवर्तन अर्थात धीरे धीरे देख प्रथम सब एककोशी जीव थी एककोशी बहुकोशी जीव गुड़ाक सृष्टि है। तो एककोशी जीव भी थे नुआ गोटे या कौन बहुकोशी जीव यही बहुकोशी जो जीव गुड़ाक अच्छा से मैंने कौन करेंगे हेले। तो ये जो बहुकोशी जीव मैंने भितर जलचर किसी गोटे बहुकोशी जीव हेले सेगुड़ाक परवर्त समय कौन है स्थल को मध्य आसवे अर्थात जलचर प्लस स्थलचर उभयचर होने भी थे आसे कौन स्थलचर तापर आसे पक्षी है पक्षी हेले एमती भितर कौन सी जीव मैंने सब आकार बढ़ला एम बृहत्काय जीव कौगुड़ाक हेले छोट कीटपतंग एमती ठीक अच्छे पानी। तो एते गुड़ा जो अलग अलग प्रकार सब जीवजंतु समाने समस्ते तैयारी से भितर किसी जीव एमती भी था जो मैंने समस्त प्रकार विलुप्त तो होने मैंने आज जीवजगत नहामती डायनासोर कथा तुम जान ठीक अच्छे। तो ये थो पे मैंने आज क्लास नेक्स्ट आम पृथ्वी में प्राय 15 लाख अधिक जाति जीव जो रही सेगुड़ा आम नेक्स्ट क्लास में डिस्कसन करवा ओके।